प्रश्न, उन मुसलमानों के साथ व्यवहार का तरीका क्या है जो रमजान में रोजा नहीं रखते हैं, तथा उन्हें रोजा रखने के लिए आमंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। अनिवार्य यह है कि इन मुसलमानों को रोजा रखने के लिए आमंत्रित किया जाए, उन्हें इसकी अभिरुचि दिलाई जाए और उन्हें उसमें कोताही और लापरवाही करने से डराया जाए। इसके लिए निम्नलिखित साधन अपनाए जाएं। उन्हें रोजे की अनिवार्यता और इस्लाम में उसके महान स्थान से सूचित किया जाए, क्योंकि वह उन महान स्तंभों में से एक है जिन पर इस्लाम की बुनियाद स्थापित है। नंबर दो, उन्हें रोजे पर निष्कर्षित होने वाला महान अजर व सवाब याद दिलाया जाए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, जिसने ईमान के साथ और पुण्य की आशा रखते हुए रमजान का रोजा रखा उसके पिछले छोटे छोटे गुनाह क्षमा कर दिए जाएंगे। इसे बुखारी हदीस संख्या 38 और मुस्लिम हदीस संख्या 760 ने रिवायत किया है, तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान लाया, नमाज कायम किया और रमजान का रोजा रखा, तो अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसे स्वर्ग में दाखिल करेगा। वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे या अपनी उस जमीन में बैठा रहे जिसमें वो पैदा हुआ है। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, क्या हम लोगों को खुशखबरी ना दे दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए तैयार किया, अर्थात जो अल्लाह की मार्ग में जिहाद करते हैं उनके लिए तैयार कर रखा है। 2 दर्जों के बीच इतनी ही दूरी है जितनी आसमान और ज़मीन के बीच दूरी है, अतः जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो मध्य जन्नत और सर्वोच्च जन्नत है और उसके ऊपर रहमान अर्थात अल्लाह का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। इसे बुखारी हदीस संख्या 7423 ने रिवायत किया है, तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सर्वशक्तिमान फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका प्रतिफल दूंगा। वह अपनी काम वासना और अपना खाना पीना मेरे लिए त्याग कर देता है। रोज़ा एक ढाल है तथा रोज़ेदार के लिए खुशी के 2 क्षण हैं। एक खुशी उसे रोज़ा खोलते समय होती है और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जो वो अपने रब से मिलेगा। रोज़ेदार के मुँह की गंध अल्लाह के निकट कस्तूरी की सुगंध से भी अधिक अच्छी है। इसे बुखारी हदीस संख्या 7492 और मुस्लिम हदीस संख्या 1151 ने रिवायत किया है। नंबर 3, उन्हें रोज़ा छोड़ने से डराना और यह बतलाना कि यह बड़ा पाप है। चुनांचे इब्ने खुज़ैमा हदीस संख्या 1986 और इब्ने हिब्बान हदीस संख्या 7491 ने अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इस बीच की मैं सोया हुआ था, मेरे पास 2 आदमी आए, वो दोनों मेरा बाजू पकड़कर एक दुर्लभ चढ़ाई वाले पहाड़ पर ले गए। उन दोनों ने कहा, चढ़िए। मैंने कहा, मैं इसकी ताकत नहीं रखता। उन्होंने कहा, हम आपके लिए उसे आसान कर देंगे। तो मैं ऊपर चढ़ गया, यहाँ तक कि जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँचा तो वहाँ जोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, ये आवाज़ें कैसी हैं? उन्होंने कहा, यह नरक वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हैं। फिर वे दोनों मुझे लेकर आगे बढ़े तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्हें उनके कूचों से लटकाया गया था, उनके जबड़े चीरे हुए थे जिनसे खून बह रहे थे। मैंने कहा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो रोज़ा खोलने के समय से पहले ही रोज़ा तोड़ देते थे। इसे अल्बानी ने सही मवारिदुज़्ज़मान हदीस संख्या 1509 में सही कहा है। अल्बानी रहमहुल्लाह ने इस पर टिप्पणी करते हुए फरमाया, मैं कहता हूँ यह उस व्यक्ति की सज़ा है जिसने रोज़ा रखा फिर जानबूझकर रोज़ा इफ्तार का समय होने से पहले रोज़ा तोड़ दिया, तो फिर उस व्यक्ति का क्या हाल होगा जो सिरे से रोज़ा ही नहीं रखता। हम अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत में सुरक्षा व शांति का प्रश्न करते हैं। 5, रोज़े की आसानी और सरलता, उसके अंदर अनुभव की जाने वाली खुशी, हर्ष, संतुष्टि, मन का संतोष व शांति और दिल की राहत का उल्लेख करने के साथ साथ उसके दिनों और रातों में कुरान के पाठ और क़ियामुल लैल द्वारा उपासना के आनंद का वर्णन किया जाए। नंबर 6, उन्हें कुछ व्याख्यानों को सुनने और कुछ पुस्तिकाओं को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाए जिनमें रोज़े उनके महत्व और उसमें मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा की गई हो। नंबर 7, उनके लिए मार्गदर्शन और क्षमा की सच्ची दुआ करने के साथ साथ उन्हें अच्छी बात और विनम्र वाणी के द्वारा सदुपदेश करने और आमंत्रित करने से उबा ना जाए। हम अल्लाह ताला से अपने लिए और आपके लिए तौफीक और सत्यता का प्रश्न करते हैं और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।